हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम प्लास्टरिंग के रेट एनालिसिस के बारे में समझेंगे। कैसे हम रेट एनालिसिस प्लास्टरिंग के लिए बनाते हैं और उसके बाद कैसे हम उसका क्वांटिटी कैलकुलेशन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट प्लास्टरिंग। प्लास्टरिंग में क्यों ज़रूरी है? जो हमारा सीजनल इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट होता है, जैसे बारिश के समय में या रेनी सीजन में वॉल, जो बेसिकली वॉल में हम प्लास्टरिंग करेंगे, या जो भी ऐसे चीज़ हो जहाँ पर हमें प्लास्टरिंग की रिक्वायरमेंट होती है, उस पर्टिकुलर आइटम या जो भी स्ट्रक्चर है उसको या उसकी लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए हम प्लास्टरिंग करते हैं। पहला तो प्रोटेक्शन हो गया, प्रोटेक्शन फ्रॉम एनवायरमेंटल और सीजनल इफ़ेक्ट। सेकेंड थिंग इज़ लुकिंग एस्पेक्ट, कि लुक वाइज भी उस स्ट्रक्चर को हम अच्छा बना सकते हैं। तो ये दो पर्पज़ हैं मेनली प्लास्टरिंग के। अभी पिछले वीडियो में मैंने प्लास्टरिंग में सीमेंट मोर्टार का जिक्र किया था। तो बेसिकली प्लास्टरिंग का जो मेन मटेरियल है वो मोर्टार है। अब मोर्टार में अब मैंने कैटेगरीज बताई थी कि मोर्टार बेसिकली सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट का प्रोपोर्शन है। सीमेंट, सैंड एंड वाटर का इंटीमेट मिक्सचर है। ओके, सो पिछले वीडियो में मैंने 1:4 के बारे में बताया था, 1:3 के बारे में बोला था, एज वेल एज 1:5 एंड 1:6। सो जैसे जैसे सीमेंट का कंटेंट हम बढ़ाते जाएंगे, मतलब 1:3 में सीमेंट का कंटेंट ज़्यादा होगा, 1:4 में सीमेंट का कंटेंट 1:3 के रिस्पेक्ट में कम होगा, 1:5 में अदर दो के रिस्पेक्ट में कम होगा, और 1:6 में सबसे कम होगा। एंड व्हाट इज वन? वन इज अ क्वांटिटी ऑफ सीमेंट एंड फोर इज अ क्वांटिटी ऑफ सैंड। ओके, एंड वी हैव टू डिस्कस ऑन दैट कि जो 1:3 है बेसिकली हम इसको फ्लो अपना सीलिंग में यूज़ करते हैं। ओके, हम इसको सीलिंग में यूज़ करेंगे। एंड 1:4 एक्सटर्नल प्लास्टर के लिए, जनरली स्टैंडर्ड प्लास्टर के लिए, एंड 1:6 इंटरनल प्लास्टर के लिए। जो एक्सटर्नल प्लास्टर में इन्वायरमेंटल अटैचमेंट ज़्यादा होता है और इंटरनल में उतना कम होता है, ठीक है। रेनी सीजन में एक्सटर्नल वॉल में इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा, और सीलिंग के केस में क्या है कि जो मटेरियल का वेट है वो जस्ट डायरेक्शनल टू ग्रेविटी होता है। सो उस केस में हमको सीमेंट का कंटेंट ज़्यादा रखना पड़ता है। अभी हम डिस्कस करेंगे प्लास्टरिंग में। मैंने बताया कि मोर्टार है, मोर्टार कैसे मिलकर बनता है और उसके क्या क्या प्रोपोर्शन होते हैं। तो एक हम एज्यूम करते हैं, एज्यूमिंग 12 mm थिकनेस प्लास्टरिंग इन अ वॉल विद द हेल्प ऑफ CM 1:4। ओके, 1:4। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट सीमेंट। ओके, तो प्रीवियस वीडियो में सीमेंट और सैंड कैसे कैलकुलेट करने थे मैंने बताया। अभी यहाँ पर एक चीज़ ऐड होगी, वो है वेस्टेज। क्यों? क्योंकि व्हेन वी डूइंग प्लास्टरिंग इन अ वॉल, वेस्टेज मे बी वेरी हायर टर्म्स ऑफ वेस्टेज इज देयर, एंड
अब वेस्टेज वहाँ पर ज़्यादा है तो हमको वेस्टेज भी अपने एनालिसिस में कंसीडर करना पड़ेगा। जनरली जो हमारा 2% ऑफ सीमेंट एंड 7% ऑफ सेंड का वेस्टेज होता है, तो इसको हम इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी देखते हैं। सबसे पहले एक चीज़ और एज्यूम करनी पड़ेगी, वो है कि एरिया कितना है भाई। बिना एरिया के कितने स्क्वायर मीटर का एरिया हम कंसिडर कर रहे हैं, तो मैंने कंसिडर कर लिया 100 स्क्वायर मीटर और 10 स्क्वायर मीटर, विच वन यू प्रेफर। सो फर्स्ट इज मटेरियल रिक्वायरमेंट, मटेरियल रिक्वायरमेंट क्या है, तो फर्स्ट मटेरियल क्या है, सीमेंट। तो सीमेंट का कैसे कैलकुलेशन होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंसीडर एज अ क्यूबिक मीटर। सो क्यूबिक मीटर बेस के लिए 1:4 का रेशो है, ओके, एज पर प्रीवियस वीडियो। एंड तो व्हाट अबाउट द पार्ट ऑफ सीमेंट, पार्ट ऑफ सीमेंट इज 1/4, ओके। एंड व्हाट इज द अजम्पशन फॉर कन्वर्टिंग ड्राई वॉल्यूम, सो 1.33, दिस इज द प्रोपोर्शनल वैल्यू। एंड हेयर इज टोटल पार्ट ऑफ दिस प्लस दिस, मीन्स 1/5 हो जाएगा, ओके। क्योंकि टोटल पार्ट क्या है, 1 सीमेंट 4 सैंड, तो टोटल क्या हुआ, 1 + 4 5। एंड किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, सीमेंट के रिस्पेक्ट में, तो 1 सीमेंट का हो जाएगा एंड 4 4 + 1 5, सो 1/5 मीन्स 0.2। 0.2 में 1.33 का फैक्टर लगाएंगे क्योंकि हम ड्राई वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। अब इसके बाद क्या है, सीमेंट हमने किस में निकाल लिया, इन इन रिस्पेक्ट ऑफ क्यूबिक मीटर। हमको आइडिया है 1440 kg पर क्यूबिक मीटर, एक क्यूबिक मीटर में इतना सीमेंट होता है, 1440 kg। सो 0.266 के लिए कितने केजी सीमेंट होगा, 383.04 kg। नाउ इन टर्म वी हैव टू कैलकुलेट इन टर्म्स ऑफ बैग्स। फॉर अ सिंगल बैग द क्वांटिटी इज अराउंड 50 kg, तो 7.66 बैग्स बैग्स फॉर सीमेंट वी हैव टू रिक्वायर, दिस मच क्वांटिटी ऑफ बैग्स। अब यहाँ पर क्या है, 2% वी हैव टू ऐड 2% ऑफ वेस्टेज, ओके। सो दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो टोटल बैग्स आर 1:4, टोटल वेटेज इज 4/1+4। अब ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्जन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 1.33 का फैक्टर लगाना पड़ेगा। अब इसके बाद सैंड के केस में मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि 1500 kg पर क्यूबिक मीटर वेट आ रहा है उसका, ओके। सो 1500 अब उसका टोटल वेट पर क्यूबिक मीटर में 1.064 × 1500 एज बेस्ड ऑन टनेज वैल्यू, दिस डिवाइडेड बाय 1000, ये हो गया मेट्रिक टन। सेम केस एज्यूमिंग 6 to 7% ऑफ वेस्टेज, 7% ऑफ वेस्टेज, तो इस केस में दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, सीमेंट हो गया, सेंड हो गया। अब वाटर रिक्वायरमेंट जो होता है वो वाटर सीमेंट रेशो के हिसाब से होता है। वाटर सीमेंट रेशो
वो फिर उसके लिए एक डिज़ाइन करनी पड़ती है कि कितनी स्ट्रेंथ हमको अचीव करनी है, उस हिसाब से हमको कितना वाटर सीमेंट और सैंड में मिलाना है। ठीक है, सो सीमेंट हो गया, सैंड हो गया, अब इनका जो वैल्यू आया है इसको देख लेते हैं। इंक्लूडिंग वेस्टेज, इसमें एक चीज़ और कर सकते हैं, साथ साथ ही साथ हमें यहाँ पर रेट भी पुट कर सकते हैं। तो मैं एक टेबल बना लेता हूँ, क्वांटिटी यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूनिट रेट इन अमाउंट, सीमेंट का जो रेट है अभी। यहाँ पर एक चीज़ और ऐड करनी पड़ेगी कि एरिया मैंने सपोज किया है 100 स्क्वायर मीटर। ओके, 100 स्क्वायर मीटर, अब इसके बाद अगर मैं 100 और थिकनेस मेरी है 12 mm। ओके, सो थिकनेस मैं यहाँ पुट कर देता हूँ 12/1000, ये मेरी थिकनेस हो गई। तो मेरा जो क्यूबिक मीटर में आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1.2। तो मेरी जो फाइनल क्वांटिटी है, फाइनल क्वांटिटी क्या होगी, 1 क्यूबिक मीटर में 7.81 बैग आ रहा है, तो 1.2 क्यूबिक मीटर में कितना आएगा, 7.81 मल्टीप्लाइड बाय 1.2। एंड सेम फॉर 1.71 मल्टीप्लाइड बाय 1.2, दीज आर द माई फाइनल वैल्यूज फॉर क्वांटिटी कैलकुलेशन। ये हो गई मटेरियल रिक्वायरमेंट, अब इसका एक रेट निकाल देते हैं। तो यूनिट रेट एंड अमाउंट, यूनिट रेट में मैंने अभी यहाँ पर जो भी निकालना है वो ड्राई कॉस्ट मीन्स एक्सक्लूडिंग GST, एक्सक्लूडिंग लेबर सेल्स एंड एक्सक्लूडिंग ऑल प्रॉफिट्स, मीन्स ऑल कॉरपोरेट, लाइक जो भी वहाँ पर एक्स्ट्रा हमको उसमें एफर्ट डालने हैं, एक्सक्लूडिंग मटेरियल रेट्स, लाइक इन केस ऑफ सीमेंट 28% GST इज हेयर, बट वी हैव पुटिंग रेट एक्सक्लूडिंग GST, लाइक सपोज द रेट इज 300 रुपीज़ पर बैग। एंड वॉट अबाउट सेट, सेट इज बेसिकली डिपेंड ऑन द पर्टिकुलर एरिया वेयर वी हैव टू स्टार्ट द प्रोजेक्ट और वर्क। ओके, सो इन केस ऑफ सेंड आई एज्यूमिंग सेंड इज बेसिकली वी हैव टू रिक्वायर्ड फ्रॉम और अवेलेबल बाय अवेलेबल फ्रॉम रिवर एंड एज वेल एज एग्री स्टोन क्रशर प्लांट, बिकॉज द नेचुरल सैंड रिप्लेसेस बाय मैन्युफैक्चर सैंड नाउ अडेज। सो आई एज्यूमिंग 1000 रुपीज़ पर मीट्रिक टन और 800 रुपीज़ एज पर अवेलेबिलिटी ऑफ रिवर एंड हाउ मच फार फ्रॉम हेयर। अभी मैंने कैलकुलेट कर लिया, अब इसके बाद है लेबर रिक्वायरमेंट या मैन पावर। मैन पावर में फर्स्ट इज मेंशन,
तो मैसन की क्वांटिटी के लिए कैसे निकालना है? मैसन का जो प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्टिविटी मीन्स वो 10 स्क्वायर मीटर पर डे काम कर सकता है, ठीक है? तो टोटल इज 100 स्क्वायर मीटर, एंड एक दिन में वो कितना काम कर सकता है? 10। ये हो गया। अब इसमें एफिशिएंसी भी लगा सकते हैं कि हो सकता है 90% की उसकी एफिशिएंसी हो, तो टोटल 9 नंबर ऑफ मेसन लगेंगे 100 स्क्वायर मीटर का काम करने के लिए, ठीक है? नंबर्स, इसका यूनिट क्या होगा? नंबर्स होगा। तो फाइनल क्वांटिटी क्या हो गई? 9। या इसको हम ऐसा कर सकते हैं कि फैक्टर हम बाद में दिखाते हैं, फैक्टर हम यहाँ लगा देते हैं, 0.9 का फैक्टर लगा दिया और इससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो मैसन का जो रेट है वो बेसिकली नाउ डेज ऑल ओवर इंडिया जो एवरेज चल रहा है वो 700 रुपीज़ चल रहा है। तो फाइनल क्वांटिटी से यूनिट रेट मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैसन के बाद क्या है? एक हेल्पर चाहिए, तो जितने मैसन उतने हेल्पर। सेम केस, तो हेल्पर का जो रेट है वो 400 है, 350 to 400। नाउ हेल्पर के बाद हमारा आएगा एसन, हेल्पर, भिस्ती। भिस्ती का जो होता है, जितना टोटल नंबर ऑफ मेसन होता है उसका 1/3 होता है। तो ये हो गया भिस्ती का फाइनल क्वांटिटी। भिस्ती का भी रेट एज इन अनस्किल्ड लेबर। इसके बाद हमारा भिस्ती के बाद आएगा कुली। कुली भी जितने मैसन उतने नंबर। इसमें प्रोडक्टिविटी लगा दीजिए, कुली का भी 400 एंड फाइनल वैल्यू इज दिस। अब जो टोटल है ये आ रहा है, लेकिन इसमें एक चीज और ऐड होगी, जो हमारा इसके फोल्डिंग का चार्ज है। इसके फोल्डिंग हमको लमसम में लेना पड़ेगा, यूनिट ऑफ मेजरमेंट लमसम। ₹5 पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से। सो 5 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर मीन्स क्वांटिटी कितना है? 100 स्क्वायर मीटर। यूनिट रेट 5। सो अमाउंट इज 500। ये हो गया इसके फोल्डिंग तक, मेरा टोटल बनता है। अब इसके बाद क्या है? 1% वाटर चार्जेस। अबाउट 1% ये लिखा, 1% होल अमाउंट का 1% करना है। दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस, अब इसके बाद इसको ऐड करना है।
उसके बाद हमारा आएगा कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट, अबाउट 10 to 15%, आई एज्यूम 10%, 10%। तो जो टोटल समिशन आया उसका 10% निकाल देना है और इन दोनों का टोटल करके कंट्रोल वी फॉर 100 स्क्वायर मीटर के लिए 21,982 रुपीस हमको लगेगा। सो फॉर 1 स्क्वायर मीटर, सो जो आया है उस पे 100 स्क्वायर मीटर का डिवाइड कर दो, तो INR मीन्स 12 mm थिकनेस प्लास्टर के लिए हमको 219 रुपीज़ या 220 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर का टोटल खर्चा लगेगा। सो दिस इज द आवर फाइनल वैल्यू ऑन रिस्पेक्ट ऑफ एज्यूमिंग रेट। ओके, थैंक यू।